बारिश का मौसम और हमारा ये एकदम देसी गर्ल वाला अवतार, वी आर तो टोटली एंजॉयिंग इट। लेकिन ये अगला सीन तो मुझे बिल्कुल इंजॉयबल नहीं लग रहा। क्या है ना कि यहाँ पर एक तरफ तो आदित्य और मंगल की शादी की रस्में चल रही हैं, लेकिन ये चोर जो है ना, इसकी दाढ़ी में तिनका है। कौन चोर? क्या आदित्य की बात कर रहे हैं? झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, देखिए ना। शादी का फंक्शन है, मंगल और आदित्य की शादी होने जा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका तो जरूर होता है। कुछ ऐसा ही हाल है आदित्य का, क्योंकि उनके मन में चोर है और वो इसलिए है कि कहीं सौम्या को ये ना पता चल जाए कि आदित्य मंगल से शादी कर रहा है। अब एक झूठ को छुपाने के लिए वो कई और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं है कि सौम्या उसी के घर में आ टपकी है। जितनी केयर आदित्य कर रहा है मंगल के लिए, उसे देखकर मंगल यानी कि दीपिका बिहाइंड द सीन अपनी हंसी रोक नहीं पाई। और ऐसा क्यों हुआ? अब घर में शादी का फंक्शन है, मंगल और आदित्य की शादी होने जा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका तो जरूर होता है। कुछ ऐसा ही हाल है आदित्य का, क्योंकि उनके मन में चोर है और वो इसलिए है कि कहीं सौम्या को ये ना पता चल जाए कि आदित्य मंगल से शादी कर रहा है। अब एक झूठ को छुपाने के लिए वो कई और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं है कि सौम्या उसी के घर में आ टपकी है। जितनी केयर आदित्य कर रहा है मंगल के लिए, उसे देखकर मंगल यानी कि दीपिका बिहाइंड द सीन अपनी हंसी रोक नहीं पाई। और ऐसा क्यों हुआ, ये आप उन्हीं से क्यों नहीं सुनते? लेकिन कहते हैं ना कि जब मन में चोर हो तो आप पीछे कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं, और यहाँ पर आदित्य ने अपना वॉलेट ही छोड़ दिया। सच बताऊँ तो दो बार तो मैं कर ही नहीं पाई एज दीपिका, बिकॉज मैं दो बार इतनी तेज हंसी आ गई उस सीन के अंदर, क्योंकि मैंने मंगल के कैरेक्टर में ऐसा कोई सीन नहीं किया जहाँ पे आदित्य मुझे कुछ खिला रहे, तो मुझे आई वॉज एक्चुअली टेकन अ बैक मोमेंट हो गया मेरे लिए कि इज इट एक्चुअली हैपनिंग, अरे ये कैसे हो गया, अब इसको कैसे करेंगे, मंगल को आदत ही नहीं है। अब देखिए बात ऐसी है कि सौम्या घर में आने वाली थी, इस वजह से आदित्य चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ा। अब घर वालों को इस बात की आहट नहीं है कि आदित्य चुपचाप सौम्या से मिलने जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब मन में चोर हो तो आप पीछे कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं, और यहाँ पर आदित्य ने अपना वॉलेट ही छोड़ दिया, और ये वॉलेट लग गया है लक्ष्मी के हाथ, जिसके बाद उससे होने लगी पूछताछ। अब आदित्य भी काफी चालाक है, उसने झट से एक झूठ बोला, और झूठ भी ये कि वो मंगल के लिए साड़ी खरीदने गया था। अगर इसकी बिहाइंड स्टोरी आप देखेंगे तो वाकई में आप सोचेंगे कि आदित्य कितना चालाक है। सीधे रास्ते से तो मैं घर से बाहर जा नहीं सकता, अम्मा जाने नहीं देगी, इसलिए बाथरूम के द्वारा मैं घर से भागता हूँ और मेरा वॉलेट गिर जाता है, जो हमारी जासूस लक्ष्मी को मिल जाती है, और वो मुझसे सवाल जवाब कर रही है कि आपका वॉलेट बाहर कैसे गिरा हुआ था। तो उसको कवर अप करने के लिए मैं दोबारा घर से भागता हूँ और ये मैनिक्विन और साड़ियाँ लेकर घर जाता हूँ, ताकि अगर मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे बाद में तो मैं ये कह सकूँ कि मैं मंगल के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने गया था और इसलिए मैं घर से बाहर गया था, तो ये बस एक कवर अप है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी एक गलती तो छुपाई ही, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने दिखावा भी किया। अब आदित्य को जब सभी कहते हैं मंगल को कुछ खिलाने के लिए, तो देखिए कैसे एक केयरिंग और लविंग हस्बैंड की तरह वो गए और ढोकला और नींबू पानी लेकर आए, और इसके बाद उन्होंने सभी के सामने ऐसा दिखाया कि जैसे उनसे बेस्ट और परफेक्ट हस्बैंड कोई नहीं हो सकता। अब आदित्य को शायद ये नहीं पता है कि ये सारी हरकत सौम्या देख रही है और उसके मन में भी गलतफहमी पैदा होने वाली है। फिलहाल मंगल तो काफी खुश है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका आदित्य शायद अब उससे प्यार करने लगा है। खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि आदित्य आप इन मसलों से खुद का जल्द ही पीछा छुड़ा लें, या फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सुधर जाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।